The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. आज हम बात करेंगे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ऐसी बीमारी जो आपकी खून की नसों में प्रॉब्लम कर सकती है. खून की नसों में प्रॉब्लम मतलब आपकी खून की नसें में ब्लॉकेज. जी हाँ, ये हार्ट अटैक वाला ब्लॉकेज जैसा ब्लॉकेज है जो हार्ट में ना होके आपके पैरों में या आपके हाथों में हो रहा है, इसलिए इसे पेरिफेरल आर्टरी बोलते हैं. ये आर्टरीज दूर हैं आपके दिल से, इसलिए इसे पेरिफेरल आर्टरी बोलते हैं और उसमें बीमारी हो रही है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज. ये भैया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका जो नंबर वन रीज़न है, आप सुन के बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि इसका रीज़न ना तो कोलेस्ट्रॉल है ना, मतलब मेन रीज़न ना तो कोलेस्ट्रॉल तो कंपोनेंट तो है ही देखो, लेकिन मेन रीज़न जो इसका है वो है स्मोकिंग. जी हाँ, स्मोकिंग के वजह से हो जाती है आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज. और आपके पैरों में जाने वाला खून का, खून की नसों में प्लाक जमा होने लग जाता है, नैरो हो जाती है, कभी कभी क्लॉट आ जाता है. ऐसे में वहाँ पर पहले ब्लड का फ्लो स्लो होता है, इतना ब्लड नहीं जा पाता जितना उस समय चाहिए. मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, उतना ब्लड नहीं जा पाएगा जितना चाहिए, तो क्या होगा, चलते चलते पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा. इसे कहते हैं क्लॉडिकेशन, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए, मेडिकल वर्ड. क्लॉडिकेशन मींस पैरों में दर्द वाइल वॉकिंग, रुक जाने पे ठीक हो जाएगा पेन. सो दैट इज कॉल्ड एज, जब वहाँ ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है चलते वक्त, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा, इसलिए क्लॉडिकेशन हो रहा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, है ना, चलते हो रहा है नहीं तो नहीं हो रहा है. यहां पर कई बार ऐसा होगा, अगर आप ये मान के चलो किसी के खून की नसों में अगर पैरों में हाथों में ब्लॉकेज है तो पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है, वाइड स्प्रेड सर्कुलेटरी डिपॉजिट्स हो सकता है, हार्ट को भी प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रेन को भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है. तो उसके भी चेकिंग होते रहनी चाहिए और इसी को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं. और बहरहाल प्रिवेंशन भी आज बताएंगे, इसके कारण भी बताएंगे, इसके सिम्टम भी बताएंगे, लक्षण भी बताएंगे. सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों पे. लक्षण वाइज जो सबसे पहली चीज आपको समझनी है, इनिशियल स्टेज में कोई लक्षण नहीं आएगा, धीरे धीरे फिर लक्षण शुरू होगा. पहला लक्षण यही होगा कि वॉकिंग करते समय, चलते समय पैरों में दर्द होने लगेगा, इसे कहते हैं क्लॉडिकेशन. क्लॉडिकेशन मतलब मसल पेन, क्रैम्प्स, और या तो हाथ या पैर जब भी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि वॉकिंग, और जैसे ही आप रेस्ट करते हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, उसको क्लॉडिकेशन बोलते हैं, वरना वो तो पेन हो गया, सिंपल पेन. द लोकेशन ऑफ पेन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द आर्टरी विच इज ब्लॉक्ड, कौन सी नस ब्लॉक हुई उसके हिसाब से. बट द मोस्ट कॉमन सिचुएशन, सबसे कॉमन होता है ये आपके काफ मसल, पिंडलियों में, वट एवर यू कॉल्ड इज, काफ मसल्स पे. एंड द सिवियरिटी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन माइल्ड, मॉडरेट से लेकर सिवियर की डिबिलिटेटिंग, मतलब इतना दर्द है कि आप चल ही नहीं पा रहे, और चल ही नहीं पा रहे, इतना भी हो सकता है. सिवियर क्लॉडिकेशन इतना मुश्किल हो जाता है कि अब आप कुछ हद के, कुछ टाइम के लिए लग रहा है कि पैरालाइज हो गए, चल नहीं पा रहे, मेरे को क्या हो गया, दर्द हो रहा है जोरदार. सो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज साइन एंड सिम्टम, पेनफुल क्लैंपिंग, क्रैम्पिंग एंड पेन्स ऑफ योर लेग्स, हिप्स, काफ, एक्टिविटी पे, कई बार हाथों में भी हो सकता है एक्टिविटी पे, जो लोग हाथ से काम करते हैं, कई बार दैट कैन बी नमनेस एंड वीकनेस ऑल्सो, जस्ट नमनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, कई बार सिर्फ कोल्डनेस हो रही है पैरों में, स्पेशली व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द अदर साइड, एक ठंडा है एक गर्म है, दैट इज ऑल्सो अ साइन की ब्लड सप्लाई कम है ठंडे साइड पे. फिर देर इज कभी कभी पैरों में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एक आधी उंगली में सुनपना आके वहाँ चोट लग लग के वहाँ अल्सर बन जाता है, कभी कभी प्रेजेंटेशन अल्सर के साथ हो सकता है, कभी कभी पैरों का कलर बदल सकता है कि एक पैर ज़्यादा नीला नीला दिख रहा है, एक पैर जो है सही सही लाल लाल दिख रहा है,
कभी कभी उस पैर में, क्योंकि अब खून ही नहीं जाएगा, तो उस पैर में सोच के देखो, मांसपेशी को खून नहीं मिल रहा तो वहां के पैरों के बालों को खून कहे देगा, तो वहां हेयर लॉस होगा। एक पैर में हेयर ग्रोथ है ही नहीं या स्लो है, दूसरे पैर में जंगल बना हुआ है, मतलब उतना है जितना नॉर्मल होता है, दूसरे पैर में बहुत कम हो गया। तो यू कैन थिंक कि यार ये क्या हो, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। टो नेल्स भी, यहां तक के नाखून भी ब्लड सप्लाई कम होने का साइन दिखाते हैं, कम ग्रो होते हैं। स्किन जो होती है वो थोड़ी स्किनी यानी पतली होने शुरू हो जाती है, पतली पतली होके ज़्यादा शाइनी होने लग जाती है, और पल्स जो है वो उस पैर में कमज़ोर महसूस होती है, पैरों में भी पल्स होती हैं। और अगर पूरे ऊपर तक मान लीजिए हो, कभी कभी ये होता है ऊपर तक नस बंद हो सकती है, तब उस केस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है एज अ साइन। सो इस प्रकार के होते हैं साइन, जोरदार पेरिफेरल आर्टरी डिजीज प्रोग्रेसिव होते हैं, धीरे 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 साइन बढ़ते हैं, और कई बार साइन जो है अगेन आई सेड, चलने फिरने पे दिक्कत होगी, फिर बैठने पे रिलैक्स हो जाएगा। और साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैर को आपने हैंग कर दिया, लटका दिया बेड से, तो आराम मिलता है, ऐसा भी होता है। सो दैट इज देयर, एंड यस इट इज ऑल्सो वन रीजन वुड बी डायबिटीज। कॉजेस पे आ रहे हैं हम, कॉजेस पे आ रहे हैं, डोंट वरी। सो कॉजेस के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो है स्मोकिंग। याद रखिए, स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, बट इसका मूल कारण तो खून की नसें ब्लॉकेज ही हैं, यानी कि प्लाक्स हैं, यानी कि एथरोस्क्लेरोसिस है, एथरोस्क्लेरोसिस है, लेकिन मेन कारण इज ब्लड वेसल के अंदर इन्फ्लामेशन होना, या ब्लड वेसल में इंजरी होना, या ब्लड वेसल के या मसल के लिगामेंट को कहीं पर कोई इंजरी, या अनयूजुअल एनाटॉमी, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर, कुछ इस प्रकार की चीज होना। सो स्मोकिंग इज नंबर वन, सेकेंड इज यस डायबिटीज, डायबिटीज, थर्ड इज ओबेसिटी, अगर आप मोटे हैं, बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है, तब आपका रिस्क बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर से रिस्क बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से रिस्क बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग एज से रिस्क बढ़ जाता है, 50 साल की ऊपर की उम्र है आपके चांसेस ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री आपके हार्ट अटैक की, स्ट्रोक की, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है, तो आपके भी खून में एथरोस्क्लेरोसिस हो ही रहा है, होमोसिस्टीन लेवल अगर आपके ब्लड में हाई है तब भी अगेन रिस्क ज़्यादा है। तो इन सारे लोगों की रेगुलर स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए पैरों का, और रेगुलर उन्होंने अपने ब्लड टेस्ट करने चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। अगर आप स्मोक करते हैं और डायबिटीज़ दोनों हैं, तो फिर तो भैया बहुत ज़ोरदार रिस्क है आपका, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा ही होगा। अगर हो गया और आप कुछ नहीं कर रहे, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, आप बस वीडियो देख के पॉज शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, क्या हो, कॉम्प्लिकेशन, देयर विल बी इश्चीमिया। इश्चीमिया मतलब लेस ब्लड सप्लाई टू दैट लिम्ब, टू दैट पार्ट, और वो ब्ला पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं क्रिटिकल लिम्ब इश्चीमिया। यानी पहले इंजरी शुरू हो जाएगी, फिर वहां पर अल्सर आएगा, अल्सर जो हील होगा नहीं, और वो सेप्सिस इन्फेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन जो है गैंग्रीन बन जाएगा, टिश्यू डेथ हो जाएगी, कई बार उसमें पैर को या हाथ को काटना पड़ेगा, क्रिटिकल लिम्ब इश्चीमिया बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। नहीं सुनते तो नहीं सुनते, क्या कर सकते। स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी होंगे, दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप इसको लेवल पे मैनेज नहीं करते, प्रिवेंट नहीं करते। कैसे प्रिवेंट करना है, स्मोकिंग बंद करनी है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, हेल्दी फूड खाना है, लो इन सैचुरेटेड फैट्स, और वजन कम करना है, बस इतना सा है। और रेगुलर डॉक्टर के पास जाओ, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा पैर का, और पैरों की जो पल्सेज हैं वो देखी जाएगी। देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, ABI, ये कॉमन टेस्ट है जिसको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। आप ब्लड प्रेशर को एंकल पे कंपेयर करते हैं विद ब्लड प्रेशर इन योर आर्म, आर्म पे कंपेयर करो और एंकल पे कंपेयर करो, पता चल जाता है कि ये इंडेक्स कितना ऊपर नीचे है। इंडेक्स में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है तो देर विल बी अ प्रॉब्लम।
आपके डॉक्टर क्या करते हैं, रेगुलर ब्लड प्रेशर कफ करके एक अल्ट्रासाउंड वेव को इवेल्युएट करते हैं, ब्लड प्रेशर फ्लो आपको हो सकता है ट्रेडमिल पे चलाने के लिए बोला जाए और तुरंत उसके बाद ब्लड प्रेशर देखा जाए। इसके अलावा पैरों की नसों का अल्ट्रासाउंड भी होता है जिससे लिटरली नसों में खून जाता हुआ दिख सकता है और उसी तरह से उसमें डाई डाल के सीटी स्कैन में सीटी एंजियोग्राफी या एमआर एंजियोग्राफी, एमआरआई और सीटी स्कैन के द्वारा एंजियोग्राफी करके लिटरली देख सकते हैं कौन सी नस कहाँ बंद है। इन टेस्टों से पता चल जाता है कौन सी नस बंद है, आगे किस प्रकार का इलाज होना है, ऑपरेशन होना है, खून पतला करने की दवा देनी है या क्या करना है। ब्लड टेस्ट में मदद मिलती है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और डायबिटीज़ लेवल्स और ये सब लेवल्स चेक करने के लिए। अगर पेन ज़्यादा है तो और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो फिर हो सकता है आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े या पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी होती है, पेरिफेरल बाईपास सर्जरी होती है, पेरिफेरल थ्रोम्बोलेक्टॉमी होती है, थ्रोम्बोलेक्टॉमी ऑपरेशन होता है, सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है, एक्सरसाइज करवाते हैं देखते हुए कि भाई दिक्कत ना आए और अल्टीमेटली दवाइयाँ होती हैं खून पतला करने की, पेन किलर, ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करने की, ब्लड शुगर कंट्रोल करने की, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की, एज पर योर कंडीशन जैसी जैसी कंडीशन उसके हिसाब से दवाई दी जाती है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कृपया इस पंगे में ना पड़ें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, सही रहें, सही सही इसको शेयर करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।